हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई फील दैट यू ऑल हैव बीन डूइंग वेल एट योर स्टडीज. एंड टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सिलेबस ऑफ 10th क्लास ऑफ यूपी बोर्ड, द वेरी फर्स्ट लेसन ऑफ इंग्लिश रीडर, द एन्चेंटेड पूल. बहुत से 10th के बच्चे मुझसे बार बार कह रहे थे कि सर 10th का कुछ पढ़ाइए, तो आज 10th का भी मैं आपको एक लेसन का समरी बता देता हूँ. द एन्चेंटेड पूल मीन्स मायावी तालाब, और इसके राइटर हैं मिस्टर राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी. ये भारत के बहुत महान विद्वान हुए हैं और पहले भारत रत्न हैं जिन्हें पुरस्कार मिला, इंडिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है. और ये कहानी जो है ये महाभारत का एक इंसिडेंट है. एग्जाइल वनवास के दौरान जब पांडव लोग जंगल में थे, अचानक एक दिन जब उन्हें बहुत प्यास लगी तो दूर तक ये पानी नहीं था, तो युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा कि जाओ कहीं से पानी लेकर आओ. पैगले सहदेव गए तो एक तालाब था जो एक यक्ष का था, ऑक्यूपाइड था. उसने कहा कि साहब अगर आपको पानी पीना है तो पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए. उन्होंने अनसुना कर दिया, पानी पिया और वहीं धराशायी हो गए. फिर उसके बाद नकुल गए, उन्होंने भी वैसा ही किया. देन अर्जुन गए, अर्जुन ने भी यक्षी बातों को ध्यान नहीं दिया. उन्हें लगा कोई आवाज़ होगी, पहले मैं पानी पीऊँगा उसके बाद बात करूँगा. एक घमंड था, एरोगेंट थे बहुत लोग, या उन्हें अपनी पावर पर कुछ ज़्यादा घमंड हो सकता है, ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं. देन भीम गए और उनका भी वही हाल हुआ. जब ये सब हो गया तो फाइनली युधिष्ठिर हैड टू गो. जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनके चारों भाई ज़मीन पर पड़े हुए हैं लंबे लंबे. बहुत दुख हुआ उन्हें कि वो इतने भाइयों से प्यार करते थे बहुत. अचानक जब उन्होंने सोचा कि चलो मैं पहले पानी पीता हूँ फिर इनका सॉल्यूशन करता हूँ कुछ ना कुछ, फिर वही आवाज़ आई. तब उन्होंने कहा हे प्रभु आप कौन हैं? तो एक यक्ष बाहर निकल कर आया. उसने कहा कि साहब आपके भाइयों ने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया और पानी पिया, इस वजह से उनके साथ ऐसा हुआ. अगर आप भी ऐसा करते तो आपके साथ भी ऐसा होता. अब आपके पास चॉइस है कि या तो आपको अपने भाइयों की तरह अपना परिणाम देखना है या मेरे प्रश्नों का उत्तर देना है. युधिष्ठिर वाजिनो द वाइजेस्ट अमंग ऑल दोज पांडवाज, वो सबसे ज़्यादा विद्वान थे, बुद्धिमान थे, बड़े धीर गंभीर व्यक्ति थे. तो उन्होंने कहा ठीक है साहब, क्वेश्चन किए. तो एक रैपिड फायर क्वेश्चन हुआ, तो कुछ प्रश्न है वही इंपॉर्टेंट हैं. जैसे उन्होंने पूछा कि साहब खतरे में आदमी को कौन बचाता है, तो उन्होंने कहा साहस बचाता है. देन ही आस्क्ड कौन से वो शास्त्र हैं, विज्ञान है जिन्हें पढ़कर आदमी विद्वान बनता है. तो उन्होंने कहा साहब किसी शास्त्र को पढ़ने से व्यक्ति विद्वान नहीं बनता, ये अच्छे और विद्वान लोगों की संगति के साथ ही व्यक्ति अच्छा बन पाता है. फिर उन्होंने पूछा कि वायु से तेज क्या है, तो उन्होंने कहा मन है. फिर पूछा कि एक सूखे हुए घास के तिनके से भी ज़्यादा सूखा क्या है, तो उन्होंने कहा एक दुखी मन है. जब आदमी दुखी होता है तो दुनिया का सबसे ज़्यादा सूखा और हताश निराश होता है वो, उसे किसी चीज़ से कोई सुख नहीं मिल सकता. फिर उन्होंने पूछा कि एक यात्री का साथी क्या है, तो उन्होंने कहा ज्ञान है, उसकी शिक्षा है, जो पढ़ा लिखा है, जो उसने पढ़ा है आज तक, वो जब जाता है तो उन्हें लेकर जाता है, लर्निंग्स यू नो. एक और पूछा कि घर पर व्यक्ति का मित्र कौन है, उन्होंने कहा पत्नी है. और एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने पूछी कि मृत्यु में व्यक्ति के साथ कौन जाता है या क्या जाता है. इस पर युधिष्ठिर ने बहुत ही बढ़िया इंटेलिजेंटली जवाब दिया कि धर्म ही मनुष्य के साथ जाता है, अदरवाइज जो कुछ भी हम इकट्ठा करते हैं वो हम यहीं छोड़ जाते हैं. इस प्रश्न से बहुत अच्छे खुश हुए वो. फिर उन्होंने पूछा संसार सबसे बड़ा पात्र कौन है, तो उन्होंने कहा पृथ्वी सबसे बड़ा पात्र है क्योंकि सब कुछ इसमें समाया हुआ है. देन ही आस्क्ड कि प्रसन्नता क्या है, तो उन्होंने कहा इट इज़ द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट. अगर हमारा जीवन, हमारा व्यवहार, हमारा सत्कर्म, हमारे सारे कार्य अच्छे होंगे, अच्छे मन से करेंगे, तो इसका जो परिणाम होगा वो प्रसन्नता होगी. फिर उन्होंने पूछा कि दुनिया में कौन सी चीज़ है जिसे त्यागने पर हम सबके प्रिय बन जाएंगे, उन्होंने कहा प्राइड या घमंड, अहंकार. फिर उन्होंने पूछा दुनिया में कौन सी चीज़ है जिससे जॉय उत्पन्न होता है सौरव नहीं त्यागने पर, उन्होंने कहा साहब एंगर. अगर हम गुस्सा त्यागते हैं तो आनंद मिलता है, दुख नहीं मिलता. फिर उन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पूछी कि कौन सी चीज़ है जिसे त्यागने पर आदमी धनी होता है, तो उन्होंने कहा डिज़ायर या इच्छा. अगर अपनी हम इच्छाएं त्याग दें तो हम तो सेटिस्फाई हो जाएंगे और हम रिच हो जाएंगे, और हमने इच्छा नहीं त्याग रहे हैं, कुछ पाना ही चाह रहे हैं. एवरी टाइम वी वांट समथिंग, देन वांट्स एवरीथिंग, फाइनली
वी आर ऑलवेज पुअर बाई गेटिंग एवरीथिंग. देन एक और अच्छी बात उन्होंने पूछी कि रियल ब्राह्मण क्या है, सच्चा ब्रह्म क्या है, ब्राह्मण क्या है, जन्म से, व्यवहार से या शिक्षा से. बड़ा सोच के उत्तर दीजिए. इस पर युधिष्ठिर ने कहा, जन्म से और शिक्षा से कोई ब्राह्मण नहीं बनता. हमारे जो संस्कार हैं, हमारा जो व्यवहार है लोगों से, वही हमें ब्राह्मण बनाता है. इस बात से बहुत खुश हुए और उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने पूछी. इस पर युधिष्ठिर ने कहा, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि मनुष्य अपने जीवन में बहुत लोगों को, हजारों लोगों को मरते हुए देखता है, फिर भी वो हमेशा के लिए जीवित रहना चाहता है. ये बहुत बड़ा सरप्राइज है. इससे बड़ा कोई जो है आश्चर्य नहीं है दुनिया में. इस बात से बहुत खुश हुए. फिर उन्होंने कहा, ठीक है, अब आप चाहें तो अपने किसी एक भाई को जीवित कर सकते हैं. युधिष्ठिर ने एक सेकेंड सोचा, एक क्षण सोच के कहा कि तो फिर आप ऐसा करिए, नकुल को जीवित कीजिए. इस पर यक्ष ने फिर कहा, अरे आपके पास ऑप्शन था, इतना बड़ा महान धनुर्धर अर्जुन आप उसे जीवित करा सकते थे, महाबलशाली, कहते हैं 16,000 एलिफेंट्स की स्ट्रेंथ थी उनके भुजाओं में, उन्हें जीवित करा सकते हैं. आपको कौरवों से लड़ना भी है, इनकी शक्ति चाहिए. इन नकुल सहदेव को आपने, नकुल को क्यों चुना था? उन्होंने कहा कि न्याय धर्म किसी चीज़ को नहीं देखता, वो बराबर का पलड़ा देखता है. मेरे पिताजी की 2 पत्नियाँ थीं, मैं अपनी माँ का, कुंती का एक पुत्र जीवित हूँ, लेकिन माद्री का कोई बेटा नहीं है. नकुल सहदेव में से एक को जीवित होना चाहिए, तो हम दोनों माँओं के एक एक बेटे बनेंगे, बचे रहेंगे. इस पर यक्ष बहुत खुश हो गए और उन्होंने उनके सारे भाइयों को जीवित कर दिया. फिर वो अपने असली रूप में आए. बच्चों, वो कौन थे? वो साक्षात धर्मराज थे, जो युधिष्ठिर की परीक्षा लेने आए थे. और फाइनली उन्होंने युधिष्ठिर को, उनके भाइयों को आशीर्वाद दिया कि वो अपने जीवन में अच्छे रहें, सुखी रहें और समृद्ध रहें. आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में ज़रूर आ गई होती होगी. और इसके क्वेश्चंस हम तैयार करेंगे और लेसन अच्छी तरह समझ लीजिएगा. ना समझ में आया तो वीडियोज़ बार बार देखें. सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें. थैंक यू वेरी मच. हैव ए गुड डे. एक लाइक ज़रूर करें. बाय.